नमस्कार दोस्तों, स्लोगन राइटिंग फॉन्ट का ये हिंदी वर्णमाला मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जल ही जीवन है, जिसमें मैंने लिख कर दिखाया था कि स्लोगन को जल्दी किस तरह से लिखा जा सकता है। तो उससे संबंधित बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और उसका वर्णमाला लिख कर दिखाने के लिए रिक्वेस्ट है, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये एक सीरीज है, सीरीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्लो मोशन में अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो काफ़ी लंबे हो रहे हैं और वर्णमाला पूरा लिख कर दिखाना इसकी वीडियो में संभव नहीं है इस तरह स्लो मोशन में। अगर मैं स्पीड बढ़ाकर बनाता हूँ तो एक बार में लिख कर मैं दिखा सकता हूँ। तो ये पहला किस्त है, इसके बाद दूसरे किस्त में मैं कोशिश करूँगा कि सभी अक्षर दो वीडियो में आ जाएं। इस वाले फॉन्ट में ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस छोर को इस तरह से मोटा करना है, थोड़ा सा अक्षरों को तिरछा रखना है और जहाँ जॉइंट होते हैं उनको पतला करना है, ऊपर सिंगल लकीर कर देना है, सिंगल ब्रश यानी कि, और ये जो खड़ी लकीर है उसको अपेक्षाकृत जितना तिरछा हो सके करके ऊपर की ओर थोड़ा सा पतला, नीचे की ओर मोटा, और नीचे वाले छोर को गोल कर देना है। तिरछे अक्षर लिखने के लिए थोड़ा सा हिंदी में खासकर कठिन होता है, क्योंकि अक्षर अगर बराबर एक और झुके हुए ना हो तो वो ख़राब दिखते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस फॉन्ट में आपको ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जल्दी ही आप इस फॉन्ट को सीख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे ही फॉन्ट को फॉलो करें, आप अपना हिसाब से भी, अगर आप किसी चीज़ को और अच्छी तरह से कर सकते हैं तो उसको अपने हिसाब से करें। अब हम लिखेंगे हरसई। हरसई लिखने के लिए भी जैसा आप नॉर्मल लिखते हैं वैसे ही लिखें, और नीचे वाला छोर को जो जॉइंट होता है नीचे पहुंचकर वहां पतला करें। ये वाला पोर्शन को तो बराबर मोटा रखने का प्रयास करेंगे, इसको आप थोड़ा सा गोलाई करके, ये वाला छोर हल्का पतला भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ वाला जो छोर है ये नीचे वाला पोर्शन उसको पतला कर दें। ये जॉइंट बनने वाला है इसलिए मैं इसको पतला रख रहा हूँ। इसको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं दाम में लिख कर बताऊँगा या वीडियो के अंत में, इस वीडियो के नहीं, ये जो सीरीज के अंत में मैं कुछ और भी टिप्स दूंगा कि इन्हीं अक्षरों को अलग अलग तरह से कैसे और भी लिख सकते हैं। वर्णमाला मैं पूरा लिख कर नहीं दिखाता हूँ, जैसे ओ आ से कुछ अक्षर बार बार आ जाते हैं तो उनको लिख कर समय बर्बाद करना मेरे ख्याल से सही नहीं होता है, इसलिए मैं जो अक्षर का स्टाइल दोबारा आता है उसे मैं नहीं लिखता हूँ। तो आप जैसे झा लिखना है तो आप इस तरह से हर सही लिखने के बाद एक लकीर देकर झा बना सकते हैं, ओ के बाद आ होता है, फिर अनुस्वर, चंद्र बिंदु यानी अंग आ, ये सब मैं नहीं लिख कर दिखाता हूँ। इसके बाद ए लिखेंगे तो ए के लिए यहाँ पर इसके छोर को थोड़ा सा पतला करना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखेंगे सभी। ज़्यादातर अक्षर के छोर को तो मोटा रखते हैं लेकिन इसके छोर को पतला करना पड़ता है। आप चाहें तो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि छोर को मोटा करना है तो ये से घुमाव वाले छोर को पतला करना होगा उसके लिए। अब यहाँ से हम पतला से ले करके पतला से शुरुआत करेंगे और नीचे की ओर मोटाई करते चले जाएंगे, और चूंकि ये जॉइंट बन रहा है नीचे आकर, ऊपर भी जॉइंट बना है तो इसे हम पूरा सटाएंगे नहीं, यहीं पर
गोल से घुमा देंगे। तो ये हो गया ए। उसके बाद हम लिखेंगे हर्षव, तो हर्षव आके जैसा ही लिखा जाता है, खाली ऊपर वाला छोर को हटा देना है, ये लकीर से सेट कर आ जाता है इस तरह से। अगर किसी भी फ़ॉन्ट को तिरछा लिखने में दिक्कत होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, एक लाइनिंग बना लें इस तरह से तिरछा धागा से, तिरछा से लाइनिंग बनाने के बाद उस पर तिरछा लिखने का, उससे आपको सपोर्ट मिलेगा तिरछा लिखने के लिए। तो उसका अभ्यास करें पहले, अभ्यास तो सबसे ज़रूरी है, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपका हाथ खुलेगा। यह हर्षव हो गया, इसको अब हम बनाएंगे दीर्घव। इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो उसका गैप को भी हम मेंटेन करेंगे। तो शुरुआत में इसको पतला रखना है इस तरह से, नीचे की ओर झुकाते हुए नीचे की ओर जो छोर होते हैं उसको मोटा करना है, यही इस फॉन्ट का रूल है। तो इसको नीचे की ओर हम मोटा कर देते हैं। इसका गैप मेंटेन करने के लिए इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे ऊपर की ओर, अब आप देख सकते हैं इसका गैप भी मेंटेन हो गया। तो इस तरह से आप कुछ छोटी मोटी गलतियों को भी सुधार सकते हैं, जैसे गैप मेंटेन नहीं हुआ तो अक्षर को थोड़ा सा बड़ा और बढ़ा दें। अब हम लिखेंगे क, तो इस तरह से ये गोलाई करना है, छोर को पतला रखना है, छोर यानी कि जॉइंट को, सॉरी जॉइंट को पतला रखना है, और ये घुमाओ के बाएं भाग को जो है गोलाई का उसको मोटा रखना है, ये पोर्शन को मोटा रखना है। अब देख रहे होंगे, नज़र आ रहा होगा, अब यहाँ शुरुआत में इसको पतला रखना है और नीचे की ओर जो छोर बनेगा उसको मोटा करना है। ये वाइट वाला जो गैप है वो बराबर रखने का प्रयास करें, बाईं वाला जो गैप गोलाई का गैप है वाइट वाला, और दाहिने और जो गोलाई का गैप बन रहा है वाइट पोर्शन, उसको ध्यान में रखते हुए इसको लिखेंगे। वो गैप बराबर रहने से ही ये का अच्छा लगता है, कभी छोटा कभी बड़ा हो जाने से फिर का अच्छा नहीं लगेगा। ये का कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे ख। तो ख लिखने के लिए आप ऊपर में मोटाई से शुरुआत करें, अगर पतला से शुरुआत करेंगे तो नीचे मोटा करना होगा, जो कि जॉइंट बनेगा इस तरह से। इसलिए जॉइंट को पतला रखने के लिए मैंने ऊपर से मोटाई से शुरू किया है। ये वाला लकीर जो मैं बना रहा हूँ इसको थोड़ा सा सीधा रखने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा इधर घुमा कर नहीं ले कर आए। अब इस वाला मोटाई को थोड़ा सा मेंटेन कर दिया जाए, मोटाई बराबर रखने का प्रयास करना ही चाहिए, ये थोड़ा हर फॉन्ट का रूल है। ये वाला जो लकीर है ये बराबर झुका हुआ होना चाहिए, फॉन्ट भी बराबर झुके हुए होने चाहिए, बाकी आप तो जानते ही हैं, मैं इसके रूल रेगुलेशन बता ही चुका हूँ क्या करना है। ये पोर्शन पतला होना चाहिए, ये पोर्शन मोटा फिर पतला। अब इसको बरस को घुमा कर इस तरह से छोर को भी थोड़ा सा मोटा बंद कर दें। अब चूंकि खा में रा और वा मिला हुआ होता है तो रवा भी पढ़ा जा सकता है, तो इसको हम अगर मिला दें तो ये खा बन जाता है, आप चाहें तो नहीं भी मिला सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो वा वाला पोर्शन है उसको रा से सटा देना होगा पूरी तरह से, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें पढ़ने में किसी को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, खा ही पढ़ा जाएगा।
और अगर आप इस तरह नहीं मिलाते हैं तो रा और वा भी पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसको मिलाया जाता है। बाद लिखेंगे ग, हम देख रहे हैं ऊपर से मैंने हल्का पतला लेकर इसको बीच में मोटा किया है, फिर पतला किया है। इसके बाद हम लिखेंगे घ, तो घ के लिए ये वाला पोर्शन को पहले आप मोटा से शुरू करेंगे इस तरह से, और आप यहाँ पतला कर लेंगे ऐसा, जैसे कि रेगुलर अक्षर में लिखते हैं उसी तरह से ही। फिर यहाँ से मोटाई से शुरू करेंगे, इसको मोटाई बनाएंगे इस तरह से, गोलाई बनाकर इसको पतला कर देंगे इस तरह। ये रेगुलर अक्षर की तरह ही है, रेगुलर अक्षर जो सिंगल ब्रश से हम लोग लिखते हैं वैसा ही मैं लिखता हूँ इसको। अब ये वाला पोर्शन को घुमाकर इसमें लकीर में लेकर जाना है, और ये जो लकीर में जाकर मिलता है ये मिलने वाले छोर को पतला रखना है। ये वाला थोड़ा सा मोटा हो गया तो उसको मैंने मिटा कर इसको पतला करने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद लिखेंगे च, अंगा मैं नहीं लिख रहा हूँ इसलिए कि ड हमें लिखना है, तो ड और अंगा एक ही होते हैं, सिर्फ बिंदु का फर्क रहता है। शुरुआत से पतला, फिर मोटा, फिर पतला, इस तरह से ऊपर में चूंकि लकीर से जॉइंट है वो मोटा से ही शुरू हो जाता है लगभग। उसके बाद लिखेंगे छ, तो छ लिखने के लिए जैसे कि हमने घा लिखा वैसा ही पहले मोटा से पतला करना है इस तरह से, बैलून जैसा, फिर मोटा से पतला, इस तरह से बैलून जैसा बनाना है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको लिखने में बहुत दिक्कत होता है, मुझे पता है मुझे भी दिक्कत हुई थी शुरुआत में। तो यहाँ से हम एक गोलाई बनाएंगे, छोर को मोटा करेंगे, इस तरह से इसको लाकर मिला देना है। अब ऊपर से एक लकीर में वो गोलाई वाला भाग में मिला देना है, मिलाना नहीं है उसको, थोड़ा दूर ही रखें तो अच्छा है।
इसके बाद ज लिखेंगे तो ज का ऊपर वाला लकीर जो ऊपर वाला लाइनिंग है बाएं से दाएं उस पर थोड़ा सटा के ही लकीर खींचे, ज़्यादा गैप ना दें क्योंकि नीचे वाला पोर्शन मोटा होने वाला है और वो ज़्यादा स्पेस लेता है, इसलिए उसको थोड़ा ऊपर से ही शुरू करें। यहाँ पतला फिर ये पोर्शन को मोटा कर दें। अब यहाँ मैं झा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप हर सही बना कर उसको झा बना सकते हैं, तो समय बचाने के लिए मैं झा नहीं लिख रहा हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ, तो वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, तो इसके बाद के जो अक्षर हैं उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में लिखूँगा, लिख कर दिखाऊँगा आप लोगों को। वैसे तो मैंने वीडियो बना ही लिया है लेकिन समय के अभाव और मेरे फ़ोन में भी स्पेस की कमी के चलते इतना लंबा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, इसलिए इस वाले वीडियो में सिर्फ यही था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।